इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। वेलकम फ्रेंड्स, आज हमारे योगा क्लासेस में सीखेंगे गरबा। अरे टीचर, आज तो हमारा योगा क्लास था तो योगा के साथ गरबा क्यों? बताती हूँ आपको, ये तो पता ही है अभी नवरात्रि आई है। लेकिन टीचर, योगा और नवरात्रि का क्या कनेक्शन? देखो, इसके पीछे दो कारण हैं, एक ट्रेडिशनल और एक साइंटिफिक। नवरात्रि साल में दो बार आती है, मार्च अप्रैल के वक्त और अक्टूबर नवंबर के वक्त, जब मौसम बदल रहा होता है। ट्रेडिशनल तरीके से कहीं लोग 9 दिन तक उपवास पूजा अर्चना करते हैं, जिसकी मान्यता है कि हम भगवान के करीब आ जाए और वो हमारे विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। साइंटिफिक माध्यम से जब मौसम बदल रहा होता है, तब हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो काफी वीक होती है और बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा होती है। हमारे बॉडी को बदल रही मौसम के लिए एडजस्ट और ट्रेन करने के लिए योगा, मॉर्निंग वॉक, डांस और नवरात्रि के 9 दिन तक गरबा, जो एक प्रकार की एक्सरसाइज भी होती है और धार्मिक भी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी रहे, जिससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। चलो हम शुरू करें योगा विद गरबा। जो गाड़ा तारा, चबीला तारा, रंगीला तारा, रंग भेद जुए तारी बात। चोगा तारा, ओए चोगीला तारा, ओए रंगीला तारा।